आचार्य जी, काम के ही संबंध में मैं YouTube पर कुछ रिसर्च कर रहा था कल, और मैंने पाया कि हाल फिलहाल में पिछले 3 से 5 साल में जितने भी YouTube चैनल्स जो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़े हैं, उनमें एक चीज़ साझा है, वो ये है कि उनके जो किरदार हैं उन YouTube चैनल्स पर दिखाए जा रहे हैं बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, और मतलब कि विक्टिम हैं, परेशान हैं, सिस्टम को गाली दे रहे हैं। ये क्या ट्रेंड है कि गाली देना और फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालना, ये कब से वायरल होने लगे? ये सब कमज़ोर लोगों और कायरों की बिल्कुल तयशुदा निशानी होती है। व्यवस्था ख़राब हो सकती है, स्थितियां ख़राब हो सकती हैं, मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आदमी हौसले पर चलता है, जो आदमी भीतर ज़रा पुरुषार्थ और कर्मठता रखता है, वो अपनी ऊर्जा गाली देने में और फ्रस्ट्रेशन निकालने में ज़ाया नहीं करता, वो आगे बढ़ करके व्यवस्था को बदलता है, किसी न किसी छोटे तरीके से एक सार्थक शुरुआत करता है। वो ये नहीं करता कि वो गाली देने को ही धंधा बना ले, वो ये नहीं करता कि वो व्यवस्था का मजाक उड़ाने को ही अपना पेशा बना ले, वो ये नहीं कर सकता। ये जो कोई कर रहा है, समझ लो कि वो तो अब स्वयं चाहेगा कि व्यवस्था खराब ही बनी रहे, क्योंकि व्यवस्था खराब बनी रहेगी तभी तक तो वो व्यवस्था को गाली दे पाएगा और तभी तक तो उसका धंधा चलेगा। व्यवस्था सही हो गई तो इनका धंधा कैसे चलेगा? तो आगे बढ़े जो लोग कहते हैं कि व्यवस्था से फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं, और कोई शुरुआत करें, कोई बदलाव दिखाएं, गालीबाजी से क्या होगा? देखो, अपनों के बीच में किसी भी शब्द का इस्तेमाल कर लो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तुम भी हॉस्टल में रहे हो, मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ, दोस्तों यारों के बीच में गालीबाजी चल रही है आपस में, वो एक बात होती है, ठीक है, वो एक बात है, लेकिन तुम अगर गाली देने की रोटी खा रहे हो, तुम्हारा धंधा ही इसी बात का चल रहा है कि मैं गालियाँ दूंगा और फिर मुझे इसके पैसे मिलेंगे, तो तुम बहुत फिर नीच प्रवृत्ति का जीवन बिता रहे हो, ये बहुत ही निम्न तल का जीवन हो गया ना। किसी को फ्रस्ट्रेटेड हुए YouTube चैनल पे देखना, ये किसी के लिए प्लेजरेबल कैसे हो सकता है? ये मैं जो व्यूअर, क्योंकि वो जो गाली दे रहा है स्क्रीन पर और वो जो स्क्रीन को देख रहा है, वो दोनों एक समान कायर और कमजोर हैं। तो वो आदमी जो स्क्रीन को देख रहा है, उसकी जो अपनी कमजोरी है और उसकी जो अपनी बुजदिली है, वो सत्यापित हो जाती है, वो वैलिडेट हो जाती है, समझ रहे हो कि मैं अकेला ही थोड़ी बुजदिल और कमज़ोर हूँ। देखो, वो जो स्क्रीन पर है और यूट्यूब स्टार, यूट्यूब सेलिब्रिटी बन गया है, वो भी तो क्या कर रहा है, वो भी बस फ्रस्ट्रेट होकर सिस्टम को गालियाँ दे रहा है, तो फिर मैं छोटा आदमी नहीं हूँ, मैं गलत आदमी नहीं हूँ, क्योंकि जो स्क्रीन पर हो बिल्कुल मेरे जैसा और वो तो बड़ा आदमी बन गया, मैं उसके जैसा हूँ तो फिर मैं भी छोटा नहीं हूँ, इसका मतलब देखो वो मेरे जैसी तो बात कर रहा है, तो इसलिए फिर ऐसे लोग स्टार बनते हैं। देखो, किसी का यार बनने का या किसी का दिली जिगरी बनने का, ये तो बहुत पुराना तरीका है ना, उसकी कमज़ोरियों को प्रोत्साहन दो। दूसरी ओर अगर तुम किसी को बताओगे कि कमज़ोरी ज़रूरी नहीं है, तुम में ताकत आ सकती है, तुम बदलाव ला सकते हो, तुम मेहनत करो थोड़ी, तो वो आसानी से ना तुम्हारी बात सुनेगा ना तुम्हें अपना दोस्त हितैषी मानेगा। आचार्य जी, सोशल मीडिया में बुलिंग, मॉकिंग और रोस्टिंग, इसका चलन क्या है, इस पर आपके क्या विचार हैं, ये क्यों है और इससे हम क्या समझ सकते हैं समाज के बारे में? इससे हम यही समझ सकते हैं कि जो आपकी ऊर्जा किसी सही सार्थक सकारात्मक काम में जानी चाहिए थी, वो जा रही है गाली गलौज करने में। बस ये तो हमेशा का तरीका रहा है, कोई नई बात थोड़ी ही है, ये ऐसा थोड़ी है कि सोशल मीडिया शुरू हुआ है तो ये बुलिंग या रोस्टिंग शुरू हो गई है, ये तो गली मोहल्लों में हमेशा से होता था। वो एक हैं गली में कोई गप्पू जी, गप्पू जी की उम्र हो गई 32 साल, अभी भी हैं बेरोजगार, घर पे पिताजी का दिया खाते हैं, बेरोजगार थे फिर भी 25 में शादी कर ली, 32 तक होते होते 3 बच्चे पैदा कर लिए हैं, अब ये करते क्या है पूरी गली में, गली के जितने लौंडे हैं सबको धमकाते हैं, धकियाते हैं, क्योंकि बेरोजगार हैं, कुछ करने को नहीं है, बाहर निकल किसी को चाटा मार दिया, गली में गुंडे ही दिखाते हैं। तो बुलिंग रोस्टिंग कोई आज की बात थोड़ी है, तो हमेशा से रही है।
वही तुमको अब स्क्रीन पर देखने को मिलती है। जब दो लोग लड़ रहे होते थे तो 50 लोग का जो घेरा लगता और 50 लोगों का घेरा लगता है सब्सक्राइबर और ये हाँ बिल्कुल, जब दो लोग गली में लड़ रहे होते थे तो 50 लोग घेरा लगाए खड़े हो जाते थे, अब वही 50 लोग यूट्यूब पे आपके सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं। फिर आपकी जो कुंठा होती है ठीक है उस पर थोड़ा मलहम लगता है कि मैं भी कुछ हूँ। वैसे तो आपकी कोई हैसियत नहीं जमाने में, आपको अच्छे से पता है आपके भीतर ना कोई सामर्थ्य है ना कोई काबिलियत है, ना आपने मेहनत करी है, ना आपने कोई ज्ञान अर्जित करा है, ना आपने कोई कुशलता अर्जित करी है, ना आपने कुछ करके दिखाया है। जब कुछ नहीं करके दिखाया तो एक काम तो कर ही सकते हो ना, क्या यूट्यूब पे आओ और इधर उधर कुछ भी बकना शुरू कर दो। और यूट्यूब पर भी आखिर के अगर आप कोई ढंग की बात बोलोगे जो पता करने के लिए पहले स्टडी करनी पड़ती है, जो पता करने के लिए पहले रिसर्च करनी पड़ती है, सालों साल मेहनत के बाद जो आपको ज्ञान मिलता है, अगर वो आकर के यूट्यूब पे बताओगे तो आपको बहुत कम लोग सुनेंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो अच्छा कंटेंट, बिल्कुल ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको सुनने वाले 5,000 लोग भी नहीं है तो उनको कोई नहीं सुनेगा। लेकिन जब आप आकर के वही बिल्कुल एकदम निचले तल की घटिया बातें करोगे तो पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और ताली मारेगी। ये आज से नहीं हो रहा, ये हमेशा से होता है, कोई नई बात नहीं। पहले कहा करते थे कि निचले तल का कंटेंट जो होता है वो पोर्नोग्राफी होता है या फिर अडल्ट चीजें होती हैं। इसको वर्ड पॉर्न बोलना चाहिए, वर्ड पॉर्न। ये जो गाली गलौज करके काम आगे बढ़ता है यूट्यूब पर, इसे वर्ड पॉर्न बोलना चाहिए क्योंकि ये भी आपकी बेस टेंडेंसीज को इवोक करता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं कि काम वासना आपकी सबसे निचली टेंडेंसी होती है, वैसे ही कायरता भी तो आपकी सबसे निचली टेंडेंसी है ना। कि जैसे कोई सैनिक सीमा पे खड़ा होकर के गालियां दे रहा हो, सैनिक अगर असली सैनिक है तो गालियां नहीं देता है, वो चुप रहता है चुप रहता है, और जब जरूरत पड़ जाती है तो गोली चला देता है, ठीक है ना। भगत सिंह अंग्रेजों को जाकर गालियां दे रहे थे क्या? चंद्रशेखर आजाद गालियां दे रहे थे? सुनिए इनके मुंह से एक भी गाली? वो चुप है चुप है चुप है, और जब जरूरत पड़ी तो सीधे गोली चली या बम चला। अब गोली चलाने या बम चलाने का गुदा ही नहीं है ये जो नए लड़के हैं इनमें। और गोली चलाना बम चलाना माने जरूरी नहीं कि हिंसा या उग्रवाद या आतंकवाद, गोली चलाना बम चलाना माने वो काम करना जो करने के लिए हिम्मत चाहिए, वो काम जो सही भी है और हिम्मत भी मांगता है वो काम। गोली चलाना मतलब ये नहीं कि सामने किसी को गोली ही मार दी, ठीक है, कोई आंदोलन भी हो सकता है जिसको करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, वो आंदोलन तो ये कर नहीं सकते। हो सकता है कोई संगठन बनाने के लिए, कोई संस्थान बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती हो, वो ये कर नहीं सकते। तो फिर ये क्या कर रहे हैं? ये ऐसे हैं कि जैसे भाई कोई जा रहा है उसको कुछ बोल दिया और 5 लोगों ने ताली बजा दी। इसमें दुख मुझे बस इस बात का होता है कि इनकी ऊर्जा का बड़ा अपव्यय हो रहा है, वही ऊर्जा सही दिशा में जा सकती थी और वो ऊर्जा ऐसे बेवकूफ़ी वाले कामों में जा रही है। तो मेरी सलाह इनको यही है कि जवान हो, तुम्हारे पास अभी समय भी है और ताकत भी है, उसका सही इस्तेमाल करो, ठीक है। क्यों ये सोच रहे हो कि तुम्हारे सामने बस यही रास्ता है? बहुत सुंदर और बड़े राजसी रास्ते भी हो सकते हैं, लेकिन उन पर चलने के लिए काबिलियत और पात्रता पहले तुम्हें पैदा करनी पड़ेगी। आचार्य जी, नाम तो नहीं लूंगा पर एक व्यक्ति यूट्यूब पर ऐसे भी हैं, यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर, जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और एनिमल वेलफेयर और इसी वेगनिज्म की फील्ड में ही, एंड ही इज ऑलवेज सीकिंग रीच। ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर पीपल हु हैव इमेंस रीच, पर वो इस तरह का काम कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन अगर वही लोग ऐसा काम करने लग जाए तो वो एक वीडियो से शायद करोड़ों अरबों लोगों को कुछ अच्छी बात पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, हो सकता है। और ये बड़ी माया है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें कोई सुनने वाला नहीं, और जिन्हें सुना जा रहा है उन्हें सुना ही इसलिए जा रहा है क्योंकि वो घटिया से घटिया काम कर रहे हैं।